बुलंदशहर से बड़ी खबर, साइको किलर ने भिखारी बनकर पीड़ित के घर आसरा पाया और कर ले गया मासूम चिराग का अपहरण। अपहरण से पहले चिराग को साथ सुलाता और खिलाता था अपहरणकर्ता। अपहरण के बाद साइको किलर ने की थी चिराग की हत्या। साइको ने 15 लाख रुपए की मांगी थी पीड़ित परिवार से फिरौती। बुलंदशहर पुलिस ने आज आरोपी को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अरुण जाटो ने पुलिस के सामने किए कई खुलासे। अरुण ने 7 साल पहले अलीगढ़ से किया था 15 जून को एक बच्चे का अपहरण और कत्ल। उसी तारीख को अरुण जाटो ने किया चिराग का अपहरण का कत्ल। हैवान साइको के गुनाह में पत्नी भी बताई जा रही है शामिल। पत्नी की निशानदेही पर मासूम चिराग का शव ढूंढ रही है बुलंदशहर पुलिस। मुठभेड़ में घायल हुआ हैवान का जिला अस्पताल में चल रहा उपचार। शव की बरामदगी के बाद पुलिस प्रेस वार्ता करके कर सकती है पूरी घटना का खुलासा। देखिए बुलंदशहर से धर्मेंद्र निगम की ये रिपोर्ट। अच्छा, किडनैप क्यों किया बच्चे का? पैसों के चक्कर में। पैसों की जरूरत थी तुझे? अच्छा, क्या करा उसका? कहाँ ले गया था बच्चे को? स्टेशन पे, जंक्शन पे रोड गई है वहाँ, मुझे जगह का नाम है यार, जंक्शन के आगे। उसके बाद? उसके बाद शाम को साहब वो हल्ला काट के लग गया, वार लगी है, ये मुझे उठा लाया होगा। फिर साहब वो फिर क्या करा उसका? क्या करा सर? मैंने वहाँ गला दबा दो, मार दिया। इससे दबा के मार दिया उसे? तो पहले भी मार चुका है एक बच्चे को? ना पहले मारो ना साहब, 2016 में भी हत्या की थी ना, वो ज़्यादा छोटा होगा, भूख के साथ मर गो जोर में। उसका भी अपहरण किया तुमने? करो सर, भूख प्यास से मर गया वो। जी सर। क्या नाम भैया आपका? मोहित चौहान। जो बच्चा लापता हुआ है कौन लगता है आपका? वो भैया है मेरा। तो तलाश रहे कुछ मिला कहीं पे? कुछ नहीं मिला है सर अभी। कहाँ का तलाश लिया है? यही अपने एरिया में, बुलंदशहर जिले में, और इधर को नोएडा की तरफ सब दिन तलाश लिया, कहीं कुछ नहीं मिला अभी। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस मदद कर रही है? क्या कर रही है? पुलिस मदद कर रही है, अब सुबह से पुलिस के चक्कर में लगे हुए चाचा जी हमारे। क्या उसका कितना लिस्ट किया? 15 तारीख को थाना अरनिया क्षेत्र के एक व्यक्ति जिनका नाम राजेश चौहान है, उनके द्वारा थाने पर यह सूचना दी गई थी कि एक मजदूर जो कि उनके खेत में काम कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, वह उनके साथ ही उनके घर पर रह रहा था, वो उनके 7 वर्षीय पुत्र को लेकर के चला गया है। इस संबंध में थाने पर सुसंगत थानों में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। इसी के क्रम में आज उस व्यक्ति को जो कि वहाँ पे मजदूरी का काम करता था वादी के घर पे, उसे दौराने मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पे उसने बताया कि जो वादी हैं उनके 7 वर्षीय बच्चे को ये अपहरण करके ले गया था और इसका उद्देश्य था कि ये फिरौती उसके बदले में मांगे। आज मुठभेड़ के दौरान जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके द्वारा ये बताया गया कि जिस दिन इसने अपहरण करा था उसी दिन अलीगढ़ के चंदौस एक गांव पड़ता है वहां पर ले जाकर बाजरे के खेत में उसने बच्चे की हत्या कर दी थी। इसकी और इसकी पत्नी जो कि इस घटनाक्रम में इसके साथ सम्मिलित रही है, उनकी निशानदेही पर बॉडी को जनपद अलीगढ़ में बरामद कर लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। पूछताछ में ये भी बात प्रकाश में आई है कि वर्ष 2016 में थाना छतारी क्षेत्रांतर्गत इसने इस तरीके की एक घटना पूर्व में कारित की थी जिसमें कि इसको आजीवन कारावास से दंडित भी किया गया था, परंतु जो बात अभी संज्ञान में आई है संभवतः वादी पक्ष से इसका कुछ फैसला हो गया था जिसके बाद कि हाईकोर्ट में इसे रिलीफ मिला और हाईकोर्ट ने वो ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया था। इससे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसकी पत्नी भी हिरासत में, उससे भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही साथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या ऐसा भी जांच में सामने आया है कि ये भिखारी बनकर जो है इसने शरण ली थी दिल्ली के घर पर? जैसा मैंने बताया ये वहाँ पर गया था, सबसे पहले इसने जो अपहृत बच्चा है उसके पिताजी से ये कहा कि इसके पास खाने को नहीं है, इसको कुछ खाने को दे दे। उसी के उपरांत जो अपहृत है उनके पिता ने इसे खाने को दिया और साथ ही साथ अपने खेत पर काम भी दिया और अपने घर पर भी रखा। सर, क्या इसने फिरौती मांगी थी? क्या मुठभेड़ में घायल हुआ है? क्या इससे बरामद हुआ है?
जैसा मैंने बताया, इसका इरादा था फिरौती मांगना। हालांकि इसने हत्या पहले ही कर दी थी, फिर भी ये चाह रहा था कि इसे फिरौती मिल जाए।